वो भगवान शंकर के बड़े उपासक, चोरी करते लेकिन भगवान शंकर को साक्षी मान करके चोरी करते कि मैं भगवान आज चोरी कर रहा हूं। चोरी करते करते उसका समय निकलते जा रहा था। एक दिन हुआ क्या, उसको कुछ मिला ही नहीं चोरी करने के लिए। भगवान शंकर के मंदिर में गए और कुछ मिला ही नहीं उसको चोरी करने के लिए, तो देखा इधर उधर अब क्या चुराया जाए। उस मंदिर में भी कुछ नहीं था, एक घंटा ऊपर में लटका हुआ था, लेकिन घंटा भी इतना दूर उनकी पकड़ से दूर था। अब उसने सोचा, भगवान हमेशा आप मेरी सहायता करते, एक बार और सहायता कर दो, मैं आपके ऊपर चढ़ के उस घंटा को निकालना चाहता हूं। तो ऐसे भी भक्त भगवान को साक्षी मान करके उस घंटे को चुराने के लिए चढ़ जाते हैं, तो क्या उसका फल उसको मिलेगा? और कहते हैं कि भगवान के अनुसार ही मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन वह कर्म वास्तव में क्या सही है? कर्म तो ऐसा करो जो किसी का दिल न दुखे, किसी को हानि ना हो। और आज माता सबरी के आश्रम में भगवान राम आए हैं और भगवान राम माता सबरी को वह मंत्र दे रहे हैं। आइए आगे की कथा प्रसंग। मरी 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 जाए शरीर, आय शास्त्री सीना ना मरी, कह गए दास कभी। बोली राम भद्र भगवान की, मेरा सभी काम हो रहा, मेरा आप की कृपा से काम
अब क्या बताऊं तुझको, आराम हो रहा है मेरा आप की पारे, सब काम हो रहा है मेरा आप की पारे, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो सब काम हो रहा है मेरा आप की कृपा से, सब काम हो रहा परवर भलाया ऐसा कौन होगा, तुझ जैसा बंद परवर भलाया ऐसा कौन होगा। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है, तेरा बदौलतों से आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है सब काम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। बोली राम भद्र भगवान की जय। बातें जब सुनते हैं माता सबरी कहती कि मैं इतनी अधम हूँ कि आपकी भक्ति नहीं जानती, सेवा नहीं जानती, आप मेरे आंगन में आए और मैंने आपको जो मेरे पास था वो प्रेम से ही खिलाया। तो भगवान राम उस समय उनको कहते हैं, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भगवान राम माता सबरी से कहते हैं, मैं तो किसी नाता को मानता नहीं, न मैं किसी जाति को मानता हूँ, न किसी धर्म को मानता हूँ, अगर मेरा कहीं किसी से नाता है तो वह एक केवल भक्ति का नाता है। भगवान राम कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोही कैसे, बिनु जल बारिद दे। माता सबरी की जब बात सुनते हैं ना भगवान राम कि मैं इतनी अधम हूं और ऐसे कुल से जन्म ली हूं,
जिसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन भगवान राम उनको कहते हैं कि मैं जाति पाति को नहीं मानता, न मैं किसी का धन देखता हूं, न किसी का वैभव देखता हूं, मैं तो केवल एक भक्ति को ही देखता हूं। जो मेरी भक्ति में कहीं लीन हो जाए तो उनको उस इस संसार की जो सारी खुशियां हैं वो परम पद को पा सकते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि जप और तप करते हैं। लेकिन तुम्हारी भक्ति देख करके माता कौशल्या, माता के कई माता सुमिंद्रा के द्वारा जो भोजन कराया गया वह सब मैं भूल गया हूं। तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल है जिसकी अगर कहीं व्याख्या की जाए तो वह कम है। लेकिन ऐसा क्या खिला दिए माता सबरी? वास्तव में भक्ति अगर कहीं अपने मन में हो और किसी को प्रेम सहित खिलाएं तो वास्तव में उनका पेट उस भोजन से भले वो पेट भरता होगा, लेकिन उनका मन अगर कहीं प्रेम से कुछ खिलाएं तो उनका मन भर जाता है। इसीलिए भगवान राम ने कहा कि भक्ति के बिना मनुष्य कुछ नहीं है। जैसे अगर बादल कहीं आए और वो बादल निकल गए और उसमें जल ना हो, वर्षा ना हो, तो वह बादल कोई काम का नहीं। ऐसे माता सबरी की जो भक्ति है, माता सबरी कुछ मांगते नहीं है भगवान से, और मांगने वाले तो कई ऐसे हैं। माता शत्रुपा के पास जब भगवान गए, मनु और शत्रुपा जब तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने उनसे क्या कहा कि मांगो। अब सोचिए अगर कहीं उससे कोई मांगने के लिए कहे, भगवान आपके पास साक्षात हो तो क्या मांगे? लेकिन कैसे मांगते हैं? राजा मनु भगवान विष्णु से कहते हैं कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। एक वृद्ध एक गांव में रहती थी और उनके एक पुत्र था और उनके पुत्र की शादी हुई, उनके बच्चे नहीं आ रहे। वो बड़े दुखी हुए, लेकिन संयोगवश उनके यहाँ एक ऋषि आए और उनको बड़े प्रेम से भोजन कराए। तो उस ऋषि ने कहा कि एक वर मांग लो, एक वर मांग लो। अब उसको एक वर मांगना था तो क्या मांगते? और वो बहुत गरीब भी थी, बड़े चतुराई से मांगा उसने, ये ऋषि वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सोने के महल में, सोने के थाली में अपने बेटे के पुत्र को खीर खिलाते हुए देखना चाहती हूं। अब देखो एक साथ कितने सारे वरदान मांग लिए। ऋषि ने कहा कि एक वर मांगो, लेकिन उसने एक ही वर मांगा, लेकिन कितने सारे वर, एक के साथ कितने सारे। उनके घर गरीबी, लेकिन उसने सोने का महल मांग लिया। अब सोने का महल मांगे तो मांगे, उनके बेटे के पुत्र नहीं थे, उसको भी मांग लिए कि सोने के महल में, सोने के थाली में, और खीर को अपने पुत्र के पुत्र को खिलाते हुए देखे। अब देखो कितना सारे मांग लिए एक ही वरदान में। ऐसे ऐसे भी वर मांगने वाले होते हैं। और राजा मनु भी वैसी मांगे भगवान से, भगवान विष्णु से कहा मुझे केवल आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। अब बोलो भगवान कहीं अपने जैसा और कोई खोजने जाएगा? और खोजने से कहीं मिलेगा? तो भगवान भक्त के अधीन है। अगर भक्त चाहे तो भगवान को अपने घर में अपने पुत्र के रूप में ला सकते हैं। आइए, आरती की तैयारी हो चुकी है।
अजी राम नाम रटते रहो, के घट घट में हो प्राण। अजी राम नाम रटते रहो, के घट घट में हो प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़े ये राम राम, हाँ राम राम बोल रे, के राम 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल, माता सबरी के आश्रम में भगवान राम जब आते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, और वास्तव में देखिए वन में क्या मिलता है, कंद मूल और फल, ये तीन चीज गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अगर देखिए कंद क्या है तो कहते हैं कि कंद के बारे में कहा है शकरकंद, और एक अपने जो कहते हैं शंकर कांदा कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, और एक कथे जिमी कांदा जल साग घरों का अंतित का भगवान राम ने जिमी कांदा कवि सोई खवा घरों की सोई प्रेमता है लाय रिसोई सब्जी बनाए पर भगवान राम आही तो जिमी कांदा ला उसन के बढ़िया सब्जी बना खिलाऊं नहीं के। अगर कहीं प्रेम हो जाए लगन हो जाए और भगवान कहीं अनायास आपके पास आ जाए तो आपको कुछ नहीं सूझेगा क्या उनको खिलाऊं। और एक कहते हैं लोग कि जो माता सबरी ने भगवान राम को जो कंद खिलाए और उस कंद का नाम पड़ गया राम कंद, जिला छत्तीसगढ़ी में कथन राम कांदा, मेला में जब घूमे जाते ना तो राम कांदा ला देते, वो राम कांदा
उमर रस नहीं रहा है लेकिन बड़ा सुघर लाग थी। ओ राम कांगला माता सबरी है खवाई से। ये तो कंग के बारे में होगी। दूसरा लिखी सी मूल। अब देखन अगर कोई पेड़ हरे तो कर सबसे नीचे वाला जड़ ला कांगा का छत्तीसगढ़ी में। ओकर बाद जो जमीन के जस्ट ऊपर आते ओला तना कथन ना हिंदी में तना हो छत्तीसगढ़ी मूल और ओकर ऊपर में तान फल लगते। ते मूल के रूप में का चीज है तो देखन बहुत अकन हमर साग सब्जी के जो आते नवल गोल कहान जिला सलजम कथे या फिर वैसे जो अगर जंगल में कहा बहुत सारा वैसे टाइप के फल आते जिला मूल कथे ओला माता सबरी लाग रखी रही से। माता सबरी लिए रही से कि मोर घर आई भगवान है तुला का बना के खिलाऊं। वो रोज सोचे मोर घर भगवान आई तुला का खिलाऊं। सोच सोच के रखे रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कंद मूल और फल रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी है बेर के उल्लेख नहीं करे है। उसने वाल्मीकि रामायण लगन देखन वाल्मीकि रामायण में घरों वाल्मीकि जी महाराज बेर के उल्लेख नहीं करे है लेकिन बहुत झक संत मन कथे अगर भगवान रामला फल खवाई तर्क लगे कि भगवान रामला फल खवाई तो कौन सा फल खवाई और किस की चीख चीख के खवाई। अगर आमा को फल चीख के रख देवो नहीं तो आमा फल खराब हो जाते लेकिन वास्तव में देखन बेर के बेर है जो भूई रहे ओला को चीख के घरों को रख दो ना तो खराब नहीं हो। और माता सबरी सोची कि मोर घर मोर अंगना में कहूं भगवान राम आही तो कर स्वागत कैसे करूं ओला खिलाऊं का। तो माता सबरी सोची जत का फल रहा ना जो बेर के फल कहते और बेर के फल माता सबरी सोची कि भगवान राम ला खटका टावर खिला मोर घर आ तो एक एक ठक बेर लो चीख चीख के और जे खट्टा रहा ना वाला फेंक और जब बेर की इकट्ठा करके रखी सो भगवान राम जब आई तो इतना प्रेम मगन हो गए अपन होशो हो आस नहीं रहा। एक प्रसंग दिखन